ओ यार, पर्दा किसने खोला? चलो चलो जल्दी से उठ जाओ। यस। अबे अबे तू कहाँ जा रहा है सुबह सुबह ऐसे रेडी होके? मैं, तुमने ही तो कहा था शगुन जी को सॉरी बोलना जाके, तो बस सॉरी बोलने जा रहा हूँ। और हाँ, अपने रानी के बारे में पूछ लूंगा। ओ यार, तू पागल हो गया है क्या? इतनी सुबह सुबह क्यों जा रहा है? भाई पागल नहीं, दीवाना, हवारा, आशिक, मजनू। हे भगवान। भाई मोहब्बत में तुम्हें जो नाम भी पसंद हो ना, उससे तुम अपने भाई को बुला सकते हो। अबे वो दीवाने, ये नाम मरवाएगा। मुझे ना पूरा फ्यूचर दिख रहा है, तेरी वजह से ना हम जेल में जाएंगे, जेल में। मुझे पता था मुझे। जब भी अपना मुंह खोलते हो ना, हमेशा कोई ना कोई मनहूस बात फोड़ते हो। अबे इससे अच्छा होता तो मैं अपने घर चले जाता। भाई को कभी सपोर्ट मत करना, हमेशा हमेशा उंगली करना उसमें। घर चला जाता? हो भाई, अचानक से इतनी रात को, इतने दिनों बाद तो घर जाता। तेरे चाचा और चाची को शक नहीं होता कि कुछ गड़बड़ है? भाई मैं घर जाऊं या ना जाऊं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। और वैसे भी तेरे भाई को लव का कीड़ा काट चुका है, तो भाई मैं जा रहा हूँ। भाई देखियो, हम तेरे लिए ही बोल रहे हैं। अभी वैसे इस किडनैपिंग के भसड़ की वजह से बहुत रहता फैल चुका है। माँ कसम बता रहा हूँ, अगर तेरे इस मुमताज मन के चक्कर में कुछ और हुआ ना, तो तू 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 देख लियो। अभी अगर मेरे और रणबीर के घर में किसी को भी पता लग गया ना, भाई कांड हो जाएगा। तो हाँ यार, वैसे भी जॉबलेस होने की वजह से ना, मैं इतने दिनों से घर नहीं गया हूँ। और मैं झूठ बोल के रह रहा हूँ यार। मैं रोहिणी, मैंने ये बताया हुआ कि किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में मैं आउट ऑफ टाउन हूँ। और अगर उन्हें ये पता चलेगा कि ये प्रोजेक्ट है, तो मेरी तो हालत खराब कर देगी यार। भाई सही कह रहा है। और अगर मेरे डैडी जी को पता लग गया ना कि ये सब कर रहा हूँ, तो तुम दोनों की वजह से मुझे घर से बाहर निकाल देंगे। अरे यार, कोई स्यापा नहीं हुआ यार, तू विश्वास तो करो मेरा। और वैसे भी शगुन जी पता कितने अच्छे से ट्रीट करती है मेरे को, अच्छे से बात करती है यार। मैं अगर उनसे कुछ भी पूछूंगा ना, कोई पंगा नहीं होगा। अबे ऐसा होता तो तेरे पे चिल्लाई क्यों थी वो उस दिन? वो देखती कैसे है तुझे वो? मुझे तो भाई अजीब ही लगती है। हाँ यार, ये सही बोल रहा है। देख, मेरी जॉब की बात करने के लिए तुझे अकेले को बुलाया, वो भी डिनर पे। अबे यार, जो भी करती हूँ क्या लेना देना, मुझे तो अपनी रानी के बारे में पूछना है। मैं जा रहा हूँ यार। रुको रुको, भाई तू अकेले नहीं जाएगा। अब दोस्ती किया है तो साथ निभाएंगे ना, साथ चलेंगे हम तेरे। हाँ भाई साथ चलेंगे। और वैसे भी तुझे अकेला छोड़ने की गलती नहीं कर सकते हम, तेरे पे कंट्रोल रखना पड़ेगा। ठीक है सुनो, आधा घंटा है, जल्दी से रेडी हो जाओ, वरना मैं तो चले जाऊंगा। हाँ यार, जल्दी जल्दी जाओ, टाइम स्टार्ट हो गया तुम्हारा। हमेशा टाइम वेस्ट करता हूँ मेरा, जल्दी जाएगा। अच्छा जी, ये बात अब लगा कि मेरा काम हल्का करने वाला कोई आ गया। दादा आइए ना, ब्रेकफास्ट एकदम रेडी है। अरे वाह वाह, पाते नहीं है? अरे बेटा वो उनकी फ्रेंड है ना, जहाँ कीर्तन चल रहा है, तो वो रोज सुबह जाती है, रात को आती है। अच्छा ओके, मैं अभी ब्रेकफास्ट लेके आया। गुड मॉर्निंग। अरे वाह, बहुत खुश हुआ। क्या बनाया भाई? इडली बनी है, विदू बड़ा बना है, सांभर बनाया। चलो तुम बैठो अभी। ओह माय गॉड, मुझे तो निकलना पड़ेगा, सॉरी मैं कुछ खा नहीं पाऊंगा, मुझे कॉफी दे दो फटाफट। क्यों, एक काम कर दियो ना, मैं टिफिन पैक कर देती हूँ। अरे समझा करो ना यार किरण, मुझे बहुत। बट क्या, कोई काम का स्ट्रेस है क्या? अरे स्ट्रेस किस बात का होगा, रेगुलर है, बच्चों के बोर्ड के एग्जाम्स आ रहे हैं, एक्स्ट्रा क्लासेस हैं, और वो मिस्टर बैनर्जी है ना, अभी वो बीमार पड़ गए, अभी उनकी मैनेजमेंट की, अकाउंट्स की सारी क्लासेस मेरे सर के ऊपर ही है। पता नहीं यार, ये आदमी बार बार बीमार क्यों हो जाता है। अच्छा आप रिलैक्स करो, ये आपकी कॉफी। थैंक यू। अच्छा मैं क्या सोच रहा हूँ कि इस चीज में मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। मेरी हेल्प कर सकते हो कैसे? एक्चुअली मैंने फाइनेंस में MBA किया, तो मैं अगर आप चाहो तो बच्चों को अकाउंट्स पढ़ा सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। सीरियसली यार, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी लॉटरी लग गई आज, मतलब मेरे स्टूडेंट्स की तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, वो बहुत खुश हो जाएंगे। भाई तो वहाँ इडली वड़ा खा के ही खुश है, थैंक गॉड मुझे वो सब नहीं खाना पड़ा, मेरे बस की बात नहीं है। बट करण, नोइंग रोहन फुली वेल, सवेरे उठते ही उसका सबसे पहला सवाल यही होगा कि करण कहाँ चला गया। अच्छा रोहन, मैं करण को बुलाना भूल गई। मैं एक काम करता हूँ, मैं बुला के लाता हूँ। कहाँ है रो, बैठ जाओ। क्यों, वो घर पे नहीं है, मीटिंग के लिए गया। एक मिनट, मीटिंग के लिए गया इतनी सुबह? तुम शावर में थे तो वो मुझे बोल के गया कि वो किसी बिजनेस मीटिंग के लिए जा रहे हैं। वो नाम बताया था उसने, क्या गौरव मन 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 मनकतला, गौरव मन जो भी है यार, व्हाटएवर, तुम जानते हो उसे? हाँ मैं जानता हूँ, मतलब हमारा बिजनेस फ्रेंड है, बट देन चलो ठीक है, मीटिंग के लिए गया, कुछ
फ्रूटफुल ही होगा। तुम्हारा दोस्त गौरव मानकतला, पर वो रोहन का भी दोस्त है ना? ऐसा भी तो हो सकता है कि रोहन उसे फोन करके कंफर्म कर ले। तभी तो मैं बाला अंकल को बोल के आया ताकि वो भाई को बताए। पर क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि गौरव भाई को बोले कि मैं उसे ज्वाइन करने की सोच रहा हूँ। वही तो मैं जानना चाहती हूँ कि तुम उसे ज्वाइन क्यों करना चाहते हो। अब मैं आपसे अलग हुआ तो पेट पालने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। भला उसमें निठल्ला तो बैठ नहीं सकता, और अब मैं भला उसका दामाद और सर्वेंट भी नहीं रहा, तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बनाए रखने के लिए मुझे सेल्फ रिलायंट होने का नाटक करना पड़ेगा। अरे तुम गौरव के साथ काम करना चाहते हो क्योंकि तुम सेल्फ रिलायंट होना चाहते हो। आप स्मार्ट हो, बट माय प्लान इज बिगर। और मेरा प्लान क्या है ये मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि उसके पीछे मेरी एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी है। Sounds great. आलिया रिलैक्स। अरे मैं बोल रही हूँ कि तुम्हारा प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छा जाने वाला है, प्लीज रिलैक्स करो। और वो जो बस्ती की लेडीज ने भी जो एम्ब्रॉयडरी की सैंपल्स दिया ना, इवन दे आर वेरी नाइस। वहां जाके क्या होगा, उनको ये डिजाइन्स पसंद आएंगे कि नहीं? क्यों नहीं अच्छे लगेंगे, तुम इतना नेगेटिव क्यों हो रही हो? जो ही मम्मा ने उन्हें मुझे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है, उनका नाम इस एनजीओ से जुड़ा हुआ और ये काम भी, पता है कितनी सारी होप्स थी उन बस्ती की औरतों को, और अगर मैं फेल हो गई, मुझसे कुछ भी गड़बड़ हो गई, सबकी होप्स मर जाएंगी। तुम कोई गलती नहीं करने वाली हो, इतना अपने दिमाग में रखो। रेडी अम्मा? इसको देखो ना, बहुत ज्यादा नर्वस हो रही हूँ। अगर कुछ गड़बड़ हो गई मीटिंग में, पर क्यों होगी गड़बड़, तुम इतने अच्छे सैंपल्स लेकर आई हो, मैंने चेक किया है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि इनकॉर्पोरेट ना करे इन्हें। आई एम वेरी श्योर ये सेलेक्ट हो जाएंगे। पक्का? चल लड़कियों की तरफ तैयार हो रहो, जल्दी चलो। अबे रास्ते में खा लूंगा, ले लेता हूँ ना, जल्दी चलो। भाई हम जाके उसको बोलेंगे क्या शकुन जी को? रिहर्सल वेहर्सल कर लेते हैं यार। हाँ ओए, ये सही बोल रहे हैं भाई, उन पे बैड इंप्रेशन पड़ जाएगा। पहले ये डिसाइड कर कि क्या बोलना है, कैसे बोलना है, फिर जाइयो। यार मैं उनको बोलूंगा कि मेरी रानी के बारे में इंफॉर्मेशन बता दो, और क्या। अबे ओ चोमू, पागल पागल क्या, ऐसे डायरेक्टली कौन पूछता है? पेशेंसली बात करना भाई, थोड़ी पेशेंसली। एक तो पहले वहाँ जाना, ठीक है, पहले यहाँ वहाँ की बातें कर लेना, और फिर तू धीरे धीरे बोलना कि तुझे साउथ स्पाइस का खाना बहुत पसंद है, और फिर वो अचानक से बोलेगी कि हाँ वो भी कल गई थी साउथ स्पाइस होटल, है ना? हाँ है ना? और फिर तो अचानक से बिल्कुल बिना चलाकी से, ठीक है, ऐसे पूछा कि वो साउथ लड़की आपके साथ थी, वो कौन थी? हाँ ऐसा बोलना कि उनको शक ना हो, बिल्कुल भी डाउट ना हो। ओके फिर बात निकल जाएगी भाई। समझ गया भाई, समझ गया, समझ गया। चलो 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 सिमरन, तुम्हारा राज आ रहा है। हे बाबा जी, हमारा राज ना थोड़ा भोला है, इसका ख्याल रखना। आलिया। हाँ हाँ जल्दी करो, मैं छोड़ दूँ तुम्हें शगुन के यहाँ रास्ते में। शगुन का घर आपके ऑफिस के रास्ते में तो नहीं आता है? क्या है, बहुत दिनों से उससे मिला नहीं, उससे बातें करनी है, पूछना है कैसी है वो, तो मैं छोड़ देता हूँ ना, चलो। प्लीज स्टॉप दिस। हाँ नहीं तो मैं बात नहीं करूंगी आपसे। क्या लगा रखा है आपने? अच्छा अच्छा ठीक है बाबा, नहीं करूंगा। लेकिन सुनो, याद है ना, प्रोजेक्ट में रोहन को इन्वॉल्व नहीं करना है। नहीं है वो हमारे साथ इस प्रोजेक्ट में, जस्ट रिलैक्स नाउ। क्या वो पापा कुछ बोल रहे थे रोहन के लिए? वो मैं एक्चुअली चलो लेट हो रहे हैं ना, हम सैंपल सब लिए। जी अम्मा सब कुछ ले लिया, जल्दी चलो। क्या, अरे तो गंदा हो गया है अभी, एक तो लेट हो रहे हैं। तुम जाओ जाओ साफ करके आओ। चेंज ये सब अभी होना था, एक लेट हो रही हूँ। क्या आलिया, बाद में बताती हूँ। क्या क्या हुआ आलिया? ये सब भी अभी होना था, एक तो लेट हो रही हूँ। अरे आलिया क्या सब हुआ? चेंज करना पड़ेगा यार, वो स्टेन को भी अभी लगना था। अच्छा रिलैक्स, कोई बात नहीं। लेट हो रही हो, इतनी मुश्किल से डिसाइड किया था क्या पहनूं, अब फिर से डिसाइड करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, कुछ और पहन लो। हाँ हाँ रुको तो शगुन, मैं आ रही हूँ बस। अरे हम दोनों टाइम पे निकल जाएंगे, डोंट वरी, वी विल बी देयर। हाँ
चलना। हाँ एक काम करते हैं कि स्टेन को ना बालों से छुपा लेती हूँ, वही जैकेट पहन लेती हूँ। हाँ हाँ ऐसा कुछ करो, बट हम लोग बहुत लेट हो रहे हैं, जल्दी चलो। चलो लीव देम, लीव देम, चलो आ जाओ ना। चलो यहीं पे रखा था, कहाँ है जैकेट? यहीं तो रखी थी मैंने, तो अभी कहाँ गया? अरे ये तुम्हारी जैकेट। ये मेरी जैकेट तुम्हारे पास क्या कर रही है? मैं जानता हूँ कि तुम्हें जैकेट पहननी थी, बट इस पे स्टेन लग गया था। But then I thought of cleaning it, लेकिन स्टेन इतना जिद्दी था कि साफ ही नहीं हो रहा था। फिर मुझे पाती की बात याद आई। उन्होंने कहा था कि थोड़ा सा अगर लेमन स्लाइस से रब करते हैं तो स्टेन चला जाता है। एंड गेस व्हाट, स्टेन एक्चुअली चला गया। सी? हाँ। वाओ। दाग तो सच में चला गया। टैलेंट है। Thank you so much. Most welcome. By the way, all the best. Thank you. Bye. Karan? क्या हो गया तुझे? क्या कर रहा है तू? क्या? ये? So, what's wrong in that? I mean, come on, यार, it's like quite normal. आलिया की जैकेट में दाग लग गया था, तो मैंने साफ कर दिया। अब सोचना, अगर मेरी जैकेट में दाग लगता तो आलिया भी साफ कर देती। आई थिंक दैट्स व्हाट यू कॉल कपल गोल्स, राइट? और वैसे भी आज आलिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, इसलिए आई जस्ट वांट कि वो अपनी जिंदगी में जो भी कुछ करे उसमें हमेशा सक्सेसफुल हो, हमेशा। खैर छोड़, चल आ जा। हैशटैग कपल गोल्स, हैशटैग लेट्स गो। रोहन को इन्वॉल्व मत करना, लेकिन मदरसों का कोई भरोसा नहीं, कुछ ना कुछ करके रोहन को लाएगी जरूर। अब तक के लोग यहां पहुंचे क्यों नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझसे पहले पहुंच गए? उसी को फोन, नहीं रोही को फोन करता हूं। हेलो। हाँ पापा। पापा मैं बस ऑफिस के लिए निकल ही रही हूँ, बोलो। एक्चुअली मेरी एक फाइल घर पे रह गई है। फाइल? कौन सी फाइल, कहाँ रखी है बताओ, मैं ले लेती हूँ। सलाम साहब, वही चाहिए थी। नहीं तुम्हें नहीं पता होगा कहाँ है, इशिता से पूछना, उसे पता होगा। इशिता? नहीं वो तो घर पे नहीं है ना, वो आलिया के साथ शगुन मामा के यहाँ गई है। लेकिन यहाँ तो पहुंची नहीं। आप शगुन मामा के घर पे हो? मैं ऑफिस में हूँ, मैं शगुन के यहाँ क्या करूंगा, तुम पागल हो गई हो? अच्छा चलो फाइल यही है, मुझे मिल गई। हेलो आलिया, मैं चलाऊं? नहीं अम्मा, इट्स ओके, आई विल ड्राइव। पता नहीं क्यों इतनी नर्वसनेस हो रही है मुझे, फर्स्ट टाइम। मुझे बस ये डर लग रहा है कि मीटिंग में कुछ गड़बड़ कर दी तो। क्यों इतना नर्वस हो रही है, सीरियसली? अच्छा करेगी आलिया, यू विल बी रियली गुड। तुम ना मणि जैसी हो बिल्कुल। तो ये ड्राइविंग भी मणि जैसी है। पता है मैं जब नर्वस होता था इतनी गंदी ड्राइविंग करता था, अगर हवलदार ने पकड़ लिया तो हवलदार पंजाबी में, ए आगे देख, हवलदार पंजाबी में लड़ाई करता था और मणि तमिल में खुद को डिपेंड करता था। ही वाज रियली फनी। आलिया कोई गिरा वहां, मैं देखती हूँ। तूने रोका क्यों नहीं यार, हाँ तुम्हें टक्कर मार के चली गई। अबे छोड़ जाने दे, लेडीज हैं वैसे भी, चलानी आती नहीं है, पता नहीं क्यों चलाने लग जाती हैं। ये सही मौका है रूही को इंप्रेस करने का। अरे मैं कुछ हेल्प कर दूं?
नीड। गॉड, रिक्शा, रिक्शा। मैं देखूं एक बार। प्लीज रहने दो। कैब ही बुक कर ले तू उससे तुझ। ये कैब कंपनीज भी ना जब चाहिए होती है कैब तब इनके हाथ में कैब नहीं होती। ऑफिस वाले तो 10 बार कॉल कर। हेलो, हाँ हाँ मैं पहुंच रही हूँ, आई एम ऑन द वे ओनली। या ओके ओके ओके, बाय बाय। टैक्सी 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 टैक्सी। भैया साउथ एक्स चलिए ना प्लीज। मैडम अपना ओटीपी दे, आपके मोबाइल पे आया होगा। ओटीपी? भैया मुझे लगा नॉर्मल टैक्सी है, प्लीज चलिए ना। भैया ओटीपी है 2118। आई नो रोहित कि तुम ऑफिस के लिए लेट हो रही हो, मैं भी कहीं जा रहा हूँ तुम्हें रास्ते में ड्रॉप कर दूंगा। देखो मैं जानता हूँ तुम मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन थोड़ी देर के लिए हम अपने डिफरेंसेस साइड में रख सकते हैं। तुम्हें ऑफिस से बार बार कॉल आ रहा है, कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग होगी, ड्रॉप कर दूंगा ना मैं रास्ते में, प्लीज। भैया साउथ एक्स लेना, आगे बैठो फटाफट। अबे यार स्टार्ट क्यों नहीं हो रही? क्या हुआ? ओ भाई पहले पेट्रोल तो चेक कर ले। अबे यार पेट्रोल तो खत्म हो गया। लो हो गया काम, तू भी ना। ओ क्या हुआ चूजे लोग, तेरी ये फेवरेट येलो स्कूटर बंद पड़ गई क्या? बकवास ना मार। हाँ भाई ये तो होना ही था, दीवान की मैं जनाब जी पेट्रोल भराना भूल गए। हाँ भूल गया तो भूल गया, क्या हो गया? अरे मेरी जान आज दीवान की मैं पेट्रोल डलाना भूला है, कभी पैंट पहनना मत भूल जाइयो। सही बोला। उड़ा लो बेटा उड़ा लो मजाक, जब तुम्हारे दिल की कोई घंटी बजाएगी ना तब पूछूंगा, तब मजाक नहीं उड़ाऊंगा, तुम्हारी फीलिंग पे खड़े हो गए ना नाचूंगा। ला चाबी दे अपनी बाइक की। उसमें लगी है क्यों, कहाँ जा रहा है? सुन पेट्रोल भरा गए ना आ जाना मेरी स्कूटी लेके। जा कहाँ रहा है? जा रहा हूँ मैं। साथ चले जा, साथ चले जा उसके, इस दीवाने को अकेला नहीं छोड़ सकते यार। ये तो सही बोला तूने। चल भाई क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ बे, टाइट से पकड़ ले, उड़ ना जाइयो कहीं। हाँ ठीक है चल तू आगे चला। I just hope सब ठीक से हो। सब ठीक होगा, don't worry। मैंने वो सारे पेपर्स तो ले लिए हैं, एक बार देख लेंगे दोबारा चेक कर लेंगे। या we'll check, don't worry। तुम इतना प्रेशर मत लो, everything will be fine। सर आप कैसे हैं? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। आप अभिमन्यु साहब और शगुन मैडम के घर पे आए हैं ना? आपकी कार कहाँ है? आप चाबी दीजिए मैं पार्क कर देता हूँ। मैं आया था लेकिन मुझे जाना है, कुछ काम है, अर्जेंट निकलना पड़ेगा। अच्छा ठीक है मैं मैडम को बता दूंगा आप आए थे। बताना मत उन्हें, उन्हें बुरा लगेगा ना कि मैं यहाँ तक आया और ऊपर नहीं गया। अच्छा तो मैं खुद बोल दूंगा, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो, जाओ जाओ कहीं तो कोई नहीं। सर ठीक है। भाई अरे रियली श्योर तूने वहां पे जाना है? अबे हाँ हाँ यार। सुन पकड़, मैं जा रहा हूँ ऊपर। रुक भाई मैं भी जाऊंगा तेरे साथ, विशाल ने मना किया है कि तुझे अकेला नहीं छोड़ना है, ना पता नहीं ऊपर जाके तू क्या क्या पकेगा। काके अपनी बुद्धि देखी है? हाँ अबे शकल देख कितना डरा हुआ लग रहा है, मुझे भी नर्वस कर देगा खामखा। यहाँ पे रह, देख कोई आ जा तो नहीं रहा, कुछ भी प्रॉब्लम हो मुझे अलर्ट करना। ओके ठीक है भाई। लोड ना ले यार, समझ रहा है? बस एक सीटी मार देना मैं समझ जाऊंगा यार। ओके ठीक है भाई। और खुश रहे यार, मुझे भी डरा रहा है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।